नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। आरएलडी प्रमुख केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने का खुला विरोध करते हुए योगी सरकार से इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। सुल्तानपुर के मुतकरपुर प्लाक के पदारतपुर गाँव पहुंचे पूर्व डीआईजी अरविंद सेन यादव, उनके साथ सपा नेता दुखरन यादव और जिला पंचायत सदस्य राजकुमार यादव ने अनिल यादव गोलीकांड के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उनको हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अमेठी में जगदीशपुर ब्लॉक के निसूरा गांव की रहने वाली अनुपमा पाठक वकालत के साथ साथ मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन कर रही हैं। अमेठी में औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर से सटे कोयलारा मुबारकपुर गांव की सैकड़ों बीघा जमीन पर नहर का पानी न आने और जगदीशपुर फैक्ट्री की चार दीवारी टूटने की वजह से खेती नहीं हो पा रही है। अमेठी में जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 192 मरीजों को मुफ्त दवाई और जांच की सुविधा दी गई। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने बताया कि मेले में 69 पुरुष, 90 महिला और 30 बच्चों को जन आरोग्य मेले का फायदा मिला। अमेठी के मोहनगंज थाना इलाके के तिलोई ब्लॉक के ग्राम सभा आशापुर रूरू में नहर कटने की वजह से गांव और खेतों में पानी भर गया। आपको बता दें कि आशापुर ईदगाह के बगल से नहर कटी हुई है। 3 दिन से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रामघाट बाईपास पर मौजूद नेपाली बाबा आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रामनगरी के संत और महात्माओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जौनपुर में कीनाराम बाबा मठ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्य प्रकाश सिंह केडी ने वृक्षारोपण किया। जौनपुर में जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही ने सुजानगंज ब्लॉक के बखोपुर गांव के कोटेदार चंद्रपाल की दुकान का औचक निरीक्षण किया, जिसमें स्टॉक और रजिस्टर मिलान करने पर भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई। डीएम के आदेश पर कोटेदार के खिलाफ 3/7 का मुकदमा दर्ज किया गया। जौनपुर में सिंगरामऊ थाना इलाके में मौजूद पावर हाउस पर कटरा गांव के प्रधान अवनीत सिंह ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बरेली में बीजेपी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पार्टी में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे मैं बुरी तरीके से आहत हूं। अगर 15 दिन के अंदर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं मुस्लिम धर्म अपना लूंगा। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में मोहन और सोहली नदी की पानी का जलस्तर बढ़ने से जानवरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिस वजह से जानवर ऊंचे स्थान और गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में पलिया भीरी मार्ग NH-731 को प्रशासन ने पूरी तरह से बंद कर दिया। आपको बता दें कि इलाके में जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा, जिससे बड़ी घटना होने की आशंका है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप YouTube पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।